हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ब्लैक हेयर डाई लेके आई हूँ जो बालों में बहुत जल्दी कलर देगी और बहुत लंबे टाइम तक सीखे ये बालों में टिकने वाली है डाई। इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं, और इसे बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, बहुत ही असरदार डाई है। इसलिए उसके लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने ये यूज़ किया है, मैंने शिका का ही। सबको आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना है, सबको आपको मोटा लेना है। उसके बाद आपको मैं जैसे जैसे आपके साथ शेयर करी हूँ आपको ऐसे ही बनाना है, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा है। इसमें मैंने जो चीज़ें जिस तरीके से यूज़ किया आपको उसी तरीके से बनाना है। 100% आपके बालों में ब्लैक कलर आएगा और जल्दी से आपके बालों का कलर नहीं जाएगा। इसलिए तो उसका सबूत भी मैं आपको दूंगी कि आपको इसका कलर कैसा आएगा और कितने टाइम तक टिकेगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ रेमेडी के लिए जो जो मुझे सामान चाहिए वो मैं शेयर करती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए, मैंने सबसे पहले ये लिया है शिकाकाई। शिकाकाई बालों को काला करेगी, लंबा करेगी, घना करेगी और बालों की ना ग्रोथ बहुत अच्छी करेगी। इसलिए तो मैं शिकाकाई का यूज़ करूँगी। इसमें मैंने लिया है जो भैड़ा होता है वो लिया है, ये साबुत भैड़ा है। देखिए, हरड़ की पहचान ये होती है कि वो थोड़ी काली होती है, और भैड़ा क्या होता है ना, ये अंदर से सूखने के बाद भी जब ड्राई हो जाता है तो ये पीला रहता है अंदर से, ये देखिए। तो ये मैंने भैड़ा का यूज़ किया है। तो भैड़ा का आपको क्या करना है, ये आपको आराम से बाजार में मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको साबुत फॉर्म में ही लेना है इसे। और मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें रिठा। रिठा आपको अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है पाउडर फॉर्म में ले लीजिएगा, अगर साबुत मिलता है तो साबुत ले लीजिएगा, उसकी गिरी निकाल लीजिएगा अंदर से, क्योंकि रिठे की गिरी थोड़ा हार्ड होती है और शिकाकाई की गिरी तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। जब आप भिगा के रखेंगे या फिर उसे पकाएंगे तो वो आराम से पिस जाएगी। तो रिठा आप या तो पाउडर फॉर्म में लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको साबुत मिलता है तो आप उसे थोड़ा सा उसकी गिरी निकाल लीजिएगा अंदर के बीज। इसलिए और इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें साबुत आंवला। ये साबुत मोटा वाला आंवला मैंने यूज़ किया है इसमें। तो ये चारों चीज़ें ली हैं मैंने, इसके चारों चीज़ें बालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि रिठा भी क्या करता है, डाई का काम करता है। इसका कलर ना बहुत अच्छा आता है बालों में और बहुत लंबे टाइम तक टिकता है, क्योंकि ऐसा अगर आप खाली रिठा का यूज़ करेंगे तो वो शैम्पू की तरह यूज़ होगा, लेकिन आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से यूज़ करेंगे ना तो वो आपके बालों में बहुत ही अच्छा कलर देगा और लंबे टाइम तक टिकने वाला है। इसलिए तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको 10-10 ग्राम लेनी है। जब आप इन 10-10 ग्राम इन सब चीज़ों को ले लेंगे, आंवला, शिकाकाई और भैड़ा और रिठा, इन चारों चीज़ों को 10-10 ग्राम लेना। उसके बाद आप ना इसे थोड़ा गर्म पानी में भिगा कर रख दीजिएगा, जब तक ये सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसे आप लगभग आधा या एक घंटा गर्म पानी में, थोड़ा तेज पानी में भिगा कर रखिएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, रिठा जो है थोड़ा वो अपना जो शैम्पू होता है उसका वो निकाल देगा अपना अच्छे से, और जो ये आंवला शिकाकाई लिया है मैंने वो सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है। इसलिए तो अब ये सब चीज़ें मैंने लगभग एक घंटा पहले मैंने गर्म पानी में भिगा के रखी थी और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। इसलिए और इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं थोड़ा सा भृंगराज का पाउडर, क्योंकि भृंगराज भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है, इसलिए थोड़ा भृंगराज का पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी इसमें मैं। अब ये देखिए, ये चीज़ें मैंने सब भिगा के रखी थी तो ये सब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए आंवला, शिकाकाई, ये शिकाकाई भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए ये आंवला है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने भिगा के रखा है लगभग 1-2 घंटा पहले, अब हमें इसे इसका पेस्ट बनाना है, तो शुरू करते हैं इसे बनाना। अब ये देखिए, जो इसका मोटा मोटा है ना, जो आंवला शिकाकाई है, वो मैं सब इसे मिक्सी के जार में डाल लूंगी और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए, इसका मैंने जो जितना भी मोटा मोटा आंवला शिकाकाई वो सब मैंने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अब ये देखिए, इसका पेस्ट मैंने बना लिया है ये, और ये बिल्कुल ब्लैक और एकदम सॉफ्ट, जैसे आप हीना का पेस्ट बनाते हैं अब वो बिल्कुल उसी फॉर्म में इसका पेस्ट बना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद जो आप पेस्ट बना लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको हीना मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिना हीना आपके बालों को बिल्कुल ब्लैक कलर देगा, और इसके लिए आयरन की कढ़ाई मैं इसलिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि आयरन भी ऐसी चीज़ है जो बालों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आप इसे आयरन की कढ़ाई में ट्रांसफर कर रखेंगे तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा और जल्दी से आपके बालों से नहीं निकलेगा। इसलिए तो मैं आपको क्या करना है, इस पेस्ट को आयरन की कढ़ाई में निकालना है। अभी देखिए, आयरन की कढ़ाई में मैंने इस पेस्ट को निकाल लिया, और इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए जो जिस चीज़ में जो सीरम हमने इसका आंवला शिकाकाई को जिसमें भिगा के रखा था उसका जो सीरम बचा हुआ है वो थोड़ा सा हम इसे पतला करने के लिए वो डाल देंगे इसमें।
अब इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद आपको इसे अच्छे से फैला कर रखना है, जिससे कि इसका कढ़ाई का पूरा आयरन इस जो पेस्ट है इसमें आ जाए और ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और आपको इसे लगभग 24 घंटे ढककर कढ़ाई में रखना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए। और ये 24 घंटे बाद आप जब इस कढ़ाई को खोलेंगे तो ये बिल्कुल काला हो जाएगा। ये बिना हिना आपके बालों को इतना अच्छा कलर देगा, आपके बाल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। जिन लोगों को शिकायत है कि उनके बालों में कलर नहीं आ रहा, तो उनके बालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा पेस्ट है। इसमें आपको हिना मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंवला शिकाकाई और रिठा जो मैंने चीजें आपके साथ शेयर की थी उन चीजों का पेस्ट है ये। सिर्फ आपको अपने बालों के हिसाब से इसे पतला करना है और उसके बाद आपको इसे लगभग 24 घंटे या रात भर आप इसे कढ़ाई में छोड़ दीजिएगा। जेट ब्लैक आपके बालों को कलर देगा, ये सबकी शिकायत दूर कर देगा कि जिन लोगों के बालों में कलर नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे यूज करेंगे तो आपके बालों में ऑयल ना हो, बालों को बिल्कुल क्लीन करके आपको बालों में लगाना। और जो लोग पहली बार होममेड रेमेडी यूज कर रहे हैं यानी कि हर्बल डाई यूज कर रहे हैं, वो इसे लगभग हफ्ते में 2 बार लगाएं। और जो लोग नॉर्मली जो मैं डाई बनाती हूँ वो यूज करते हैं, तो इसे 1 बार में आपके बालों में अच्छे से कलर देगा वो। लेकिन जिन लोगों ने पहले केमिकल वाली डाई यूज की और जो पहली बार इस डाई को यूज कर रहे हैं, वो इसे लगभग हफ्ते में 2 बार लगाएं, तो 1 बार में उनके डाई का जो इफेक्ट है वो खत्म करेगा और दूसरी बार में आपके बालों को कलर देगा। जड़ से बालों को ब्लैक कलर करने के लिए ये डाई बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव पेस्ट है। आप इसे बनाइएगा, यूज कीजिएगा, कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करें। और ये हर उम्र के लिए, जिन लोगों के बच्चों के बाल बहुत कम उम्र में सफेद हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, और जो बहुत ज्यादा एज वाले उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत ही असरदार डाई है ये, बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसे बनाइएगा, यूज कीजिएगा, पसंद आई तो किसी और के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस डाई का फायदा उठा सके इसलिए। और इसका बेनिफिट ये है कि आपके बालों को ये जड़ से तो काला करेगा ही, साथ साथ लंबे टाइम तक भी टिकाएगा। और आप देखिए, मैंने बनाते बनाते मेरे हाथ बिल्कुल, ये मेरा देखिए थंब भी और मेरे फिंगर बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, इसलिए क्योंकि मैंने इसे हाथ से मैश करके तब मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बनाया था तब। तो आप इसे बनाइएगा, यूज कीजिएगा, कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करें। और प्लीज एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी ले सके। थैंक यू एवरीवन।